विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री सुरेश वैष्णव ने कहा कि हिंदू जनमानस की उनके हित की सुरक्षा के लिए लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से समय समय पर तत्पर रहता है। पूरे देश में हिंदुत्व पर कुठाराघात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश का एक बड़ा हिंदू समाज आज विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़ना चाहता है। विश्व हिंदू परिषद के आयाम बजरंग दल युवाओं के बीच में और बहनों माताओं के बीच में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के रूप में सकारात्मक संस्कार और स्वावलंबन की भावना को प्रेरित करता रहता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद विश्व हिंदू परिषद आम जनमानस में उतरकर हर हिंदू परिवार को स्वयं में जोड़कर एक वृहद श्रृंखला और समाज के विभिन्न जातियों में बैठे हुए हिंदू समाज को एक माला में पिरोकर एक नए भारत का दर्शन पूरे विश्व में दिखे, ऐसी बड़ी परिकल्पना के साथ लगा हुआ है। वैष्णव बुधवार को आशापुरा माता धाम परिसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान हितचिंतक महाअभियान की जानकारी देते हुए बोल रहे थे। वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष नितेश गोयल ने बताया कि आगामी 6 से 20 नवंबर 2022 तक हितचिंतक अभियान चलाया जाएगा। गोयल ने समाज से भी अपील की है कि अपने महापुरुषों आराध्य देवों के सपने को साकार करने वे राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में भागीदार बने। जिला मंत्री गणपत बालोटिया ने पूरे कार्यक्रम की एक वृहद स्वरूप पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और उसके अनुसांगिक संगठन सहित विचार परिवार के सभी कार्यकर्ता अपने अमूल्य समय में से कुछ समय देकर परिषद के इस अभियान को महाअभियान बनाएं। विश्व हिंदू परिषद हित चिंतक अभियान के माध्यम से समाज के प्रत्येक हिंदू परिवारों में जाकर उन्हें अपनों से जोड़ेगा। इस कार्यक्रम का बड़ा लक्ष्य हर हिंदू परिवार को विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक बनाना है। इस कार्यक्रम में बजरंग दल जिला सह सुरक्षा प्रमुख राजीव मिश्रा, बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख नंद किशोर खमायचा, जिला मठ मंदिर संपर्क प्रमुख कपिल सैन, नगर उपाध्यक्ष हरमीत सिंह विही, प्रचार प्रसार प्रमुख बाबू सिंह गहलोत, बजरंग दल नगर संयोजक राजू लोधा, नगर सह संयोजक प्रवीण मुंडोतिया, सुरक्षा प्रमुख पुष्पेंद्र रावल, नगर बालोपासना प्रमुख मुरली जादम, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका पायल वैष्णव तथा नेहा आदि उपस्थित थे।